भाई और बहनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार की पॉलिसी यहां के जूट उद्योग को बल देने की है। यहां जूट मिलों के मजदूर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। भाजपा की केंद्र सरकार जूट किसानों से लेकर जूट मजदूरों तक हर एक को मदद पहुंचाने में जुटी है। भाजपा सरकार जूट को सिंगल यूज प्लास्टिक, विशेष तौर पर पैकेजिंग मटेरियल का विकल्प ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न की पैकेजिंग 100% जूट में और चीनी की पैकेजिंग 20% जूट में करने को अनिवार्य बनाया है। बीते 6 साल में केंद्र सरकार ने जूट का एमएसपी 85% से अधिक बढ़ाया है। जूट किसानों को बेहद बीज मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने एक विशेष बीज वितरण योजना शुरू की गई है ताकि उन्नत किस्म के बीज किसानों को मिल सके। भाई और बहनों, दीदी की सरकार ने सिर्फ जूट किसानों और जूट मिलों के साथ ही अन्याय नहीं किया बल्कि यहां के पान और आलू किसानों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया। भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के अभाव में आलू किसानों को बहुत अधिक नुकसान में हर बार अपनी उपज को बेचना पड़ता है। आलू किसानों को तोलाबाजों ने, बिचौलियों ने बर्बाद करके रख दिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार आलू किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां फूड प्रोसेसिंग उद्योग को, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने पर और तेजी से काम किया जाएगा।